नमस्कार, छोटी समाचार में अपने संपूर्ण की स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जसपा केंद्रीय सदस्य एवं सांसद यादव के मृत्यु भेल मुख्य प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी जसपा केंद्रीय सदस्य एवं मध्य प्रदेश सांसद समेत रहल बिंदु कुमार यादव के निधन भेल। 44 वर्षक यादव के आई भिनसर करीब 8:30 के समय में निधन भेल। वो 2 वर्ष पहले से पाठ्यभर मुख्य कैंसर से पीड़ित छिल। 10 दिन से प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के ICU कक्ष में भर्ना ओ इलाजरत समेत छलन के आई भिनसर 8:30 दिन हिंकर निधन भेल। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के निर्देशक एवं स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम नरेश पंडित जानकारी देने सहित यादव समानुपातिक सांसद छलन तो दोसर मधेश आंदोलन में हिंकर सक्रिय भूमिका समेत देखल गया। सर नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संविधान सभा अध्यक्ष एवं एमाले के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र नेवांग प्रति कम्युनिस्ट पार्टी के झंडा ओढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पण करने सहित नेवांग के पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि के लिए पार्टी कार्यालय में रखल के बाद ओली कम्युनिस्ट पार्टी के झंडा ओढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पण कलन। अहिना पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी च्यासन पहुँचकर नेपाल के झंडा ओढ़ाकर नेवांग प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कलन सहित अहिना सभामुख देवराज घिमरे, मंत्री सब, विभिन्न दलक नेता कार्यकर्ता सब नेवांग प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कने। ठगी आरोप में गैलेक्सी 4 टेलीविजन के संचालक JB राय के नियंत्रण में लेन गल। सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष JB राय सहकारी मार्फत ठगी के आरोप में हिंका प्रहरी नियंत्रण में लेने है। जिला प्रहरी कार्यालय कास्की आए जिला अदालत कास्की से राय विरुद्ध पकड़ाव पूर्जी जारी करने सर इस सहकारी के पदाधिकारी विरुद्ध कास्की प्रहरी में 971 निक्षेपकर्ता सब उजूरी देने। विभिन्न दल के नेता सब संविधान सभा के अध्यक्ष सुभाष नेवांग के निधन से देश के अतुलनीय क्षति पहुँचल जिक्र कने सहित एमाले उपाध्यक्ष समेत रहल नेवांग सबटा के मिलाकर आगा बढ़ सकल नेता रहल स्मरण पर इस सब गोटे नेवांग के निधन से देश के अतुलनीय क्षति भेल जिक्र कलन। उप प्रधान एवं गृहमंत्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष रहल नारायण काजी श्रेष्ठ नेपाल के कम्युनिस्ट तथा लोकतांत्रिक आंदोलन में अग्रणी भूमिका खेलने कहत ओ स्मरण समेत कलन। मुलुक के परिवर्तन के संविधान में समावेश कला से नेवांग के नेपाल के जनता सदा स्मरण करत ओ जिक्र कलन। ओ नेवांग के निधन से देश आ नेपाली समाज के बड़का क्षति पहुँचल जिक्र से हो कल। संगे कांग्रेस नेता डॉक्टर शेखर कोईराला समन्वयकारी भूमिका में नेवांग जहन दोसर नेता नहीं भेटल जिक्र कने सलन। अहिना एमाले सचेतक रहल महेश वस्तोला नेवांग के निधन से राष्ट्रीय अभिभावक गुमेने जिक्र कने सन। संगे आम जनता पार्टी अध्यक्ष प्रभु शाह देश के परिवर्तन के संस्थागत कर बड़का भूमिका खेलने व्यक्ति के निधन से बड़का क्षति पहुँचल जिक्र कल। सप्तरी में मोटरसाइकिल के टक्कर से एक गोटे महिला के मृत्यु भेल। बीतल रात करीब 4:00 समय में सप्तरी के सुरुंगा नगर पालिका 2 भेड़िया स्थित कदमाहा गायघाट सड़क खंड में भेड़िया देखी कडोरवा दिश जा रहा मोटरसाइकिल के टक्कर से स्थानीय अघनिया देवी कोईरी के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी दिलक। सुरुंगा 3 डहनिहार निश्चल चौधरी चलने प्रदोष 01002 पर 23:48 नंबर के मोटरसाइकिल के टक्कर से घायल भेल अगहनिया के सिरहा के लहरन में सामान्य इलाज पश्चात थप इलाज के लिए विराटनगर ले जा रहा तैयारी कैल गल में सप्तरी के अहिर अस्पताल प्राणी मोहली सप्तरी में ECG केने में चिकित्सक 11:00 रात में मृत्यु घोषणा केने। प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी देने सन। मोटरसाइकिल चालक प्रहरी नियंत्रण में रहल तथा इस संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहा जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी दिलक। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से प्रहरी करीब 1 किलो सोन फिर बरामद कलक। विदेश से आईन के भंसार जांच पास पार केने बाद बाहर आनल गल अवस्था में सोन बरामद कैल गल। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के एक गोटे अधिकृत जानकारी देने सन। नियंत्रण में लेल गेल आरोपित के नाम अखन प्रहरी सार्वजनिक नहीं कने सन। तो 60 किलो 716 ग्राम सोन प्रकरण के अनुसंधान भ रहा समय थप सोन सब अखनो नियंत्रण में लेल जा रहा है। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार।
सुन के दाम आई 100 रुपया से बढ़ल है। नेपाल सुनसानी व्यवसाय महासंघ के अनुसार सुन के दाम आय तोला के 112,000 रुपया में कारोबार भ रहा है। तहिना आय चांदी तोला के 5 रुपया से बढ़ कर 1,400 रुपया में कारोबार भ रहा महासंघ जानकारी दिलक। पूरे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। लीबिया में विनाशकारी आंधर आ बाढ़ के कारण 2000 से बेसी की मृत्यु भेल जानकारी दिल गेल अछि। पूर्वी लीबिया सरकार के नेता 2000 से बेसी मृत्यु भेल आ हजारों बेपत्ता रहल जानकारी देने बीबीसी जनौलक अछि। लीबिया मामला के विज्ञ जनेले बीबीसी के देने जानकारी अनुसार मृत्यु भेल सबके संख्या अखन और बढ़ सकत अछि। बीतल रवि दिन दया नियल आंधी के कारण संकट उत्पन्न भेल सत्ता आंधी के ध्यान में रखत पूर्वी लीबिया में कर्फ्यू समेत जारी कैल गए। तेना विद्यालय आ दुकान सब बंद कर आदेश दिल गए खबर में उल्लेख रहा। डेरना के दूटा बांध समेत टूटल क्षेत्र में करीब 10,000 गोटे बसवास कर अनुमान समेत रहा। डेरना के पूरा क्षेत्र ऐसा दहल व्यस्त। टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। अपने दोसर समाचार लोक उपस्थित हवेटा करब। तखन धर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।